13 दिसंबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का सभी जगह में ड्राई वेदर था। सुंदरगढ़, कोरापुट, कंधमाल जिला के अंदर में एक जगह करके मॉडरेट फॉग सुबह टाइम रिपोर्ट हुआ है। नाइट टेम्परेचर व मिनिमम टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुआ है। आज सुबह जो रिकॉर्ड किया गया है मिनिमम टेम्परेचर लोअर साइड था, केउनझोर में 9.6 डिग्री सेल्सियस, केरी एग्रोमेट फील्ड स्टेशन है 9.2 डिग्री सेल्सियस, जी उदयगिरी एग्रोमेट फील्ड स्टेशन और हिल स्टेशन भी है 8.4 डिग्री सेल्सियस, दारिंगबाड़ी फुलवानी में 10.0 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर आज था। भुवनेश्वर सिटी में मिनिमम टेम्परेचर था 15.0 डिग्री सेल्सियस, यह स्वाभाविक से 1 डिग्री कम था। अभी मेनी प्लेसेस में ही हमारा उड़ीसा में मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर स्वाभाविक का आसपास ही है। कुछ कुछ जिला में एक दो जगह करके स्वाभाविक से 2 डिग्री कम है। कोस्टल रेंज में टेम्परेचर है 15 टू 17 डिग्री सेल्सियस का रेंज में, इंटीरियर में 11 टू 15 डिग्री सेल्सियस का रेंज में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में था। अभी फोरकास्ट हमारा जो है अगला 7 दिन ही सभी जगह में उड़ीसा में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। मिनिमम टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का चांसेस नहीं है, प्लस माइनस 1-2 डिग्री का ही अंदर रहेगा और स्वाभाविक का आसपास ही रहने का चांसेस है। सुबह टाइम कुछ जिला जैसे सुंदरगढ़, कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, इसमें आइसोलेटेड पॉकेट्स में सुबह टाइम फॉग का पॉसिबिलिटी है। मिनिमम भुवनेश्वर सिटी में जो है मिनिमम टेम्परेचर अभी अगला 2-3 दिन में 15 का आसपास रहने का चांसेस है। मैक्सिमम टेम्परेचर आज 28 का आसपास रहने का चांसेस है, मेनली क्लियर्स का ही रहने का। गंजम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु गंजम समाचार फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पेज को। अधिक तथ्य पई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com।